मनुष्य हमेशा से ही अबूझ पहेलियों तथा रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। किसी भी अधूरी कहानी या अधूरे निर्माण को देख उत्सुकता कई बार आकर्षण में बदल जाती है। ऐसा ही एक रहस्यमय और अद्भुत निर्माण राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के भोजपुर में विश्व प्रसिद्ध भोजेश्वर महादेव मंदिर है। ये मंदिर 115 फीट लंबे, 82 फीट चौड़े और 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। इसके साथ ही गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभ पर भगवानों के जोड़े शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, राम सीता एवं विष्णु लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित हैं। सामने की दीवार के अलावा बाकी सभी 3 दीवारों में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर यक्षों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। भोजपुर और इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज ने 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी में करवाया था। लोग इस मंदिर को अधूरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। रायसेन जिले के भोजपुर गांव में स्थित भोलेनाथ के इस मंदिर के अधूरे रहने के पीछे एक कहानी है। हालांकि इसके वास्तविक तथ्यों का पता किसी को नहीं है। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य एक रात में पूरा किया जाना था, लेकिन कारीगर यह काम पूरा न कर सके, इसलिए ये आज तक अधूरा ही रहा और इसका फिर से निर्माण नहीं करवाया गया। मंदिर से जुड़े कई सवाल भी अधूरे ही रह गए, जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। रायसेन जिले का ये भोजपुर मंदिर 11वीं सदी से 13वीं सदी की मंदिर वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। अगर ये मंदिर पूर्ण रूप से निर्मित होता तो ये प्राचीन भारत का आश्चर्य माना जाता। मंदिर का पूरी तरह भरा हुआ नक्काशीदार गुंबद, पत्थर की संरचनाएं, जटिल नक्काशी से तैयार किए गए प्रवेश द्वार और उन पर गढ़ी कई आकृतियों से नजर नहीं हटती। मंदिर की बालकनियों को विशाल कोष्ठक और खंभों का सहारा दिया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों और ढांचों को कभी बनाया ही नहीं गया। मंदिर को गुंबद के स्तर तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मिट्टी का रैंप अभी तक दिखाई पड़ता है, जो इसे इमारत निर्माण कला में पुरातन बुद्धिमता का दर्शन कराता है। मध्यकालीन भारत की विशेषता बलुआ पत्थर की रिज पर भोजपुर स्थित है, जो कि 11वीं सदी का एक शहर है। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। भोजपुर का यह नाम परमार राजवंश के सबसे शानदार शासक राजा भोज के नाम पर रखा गया था। इस मंदिर के निर्माण के बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली जनकथा के अनुसार वनवास के समय इस शिव मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। भीम घुटनों के बल पर बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए किया गया। इस शिवलिंग का निर्माण एक ही रात में किया गया था। जैसे ही सुबह हुई तो पांडव लुप्त हो गए और मंदिर अधूरा ही रह गया। इसके साथ ही इस मंदिर के पास बेतवा नदी है, जहां पर कुंती द्वारा कर्ण को छोड़ने की जनकथाएं भी प्रचलित हैं। और तो और, दूसरी मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के परमार वंशी राजा भोजदेव द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। राजा भोजदेव एक अत्यंत प्रतापी और विद्वान राजा थे। उन्हें कला, स्थापत्य और विद्या का महान संरक्षक माना जाता है, जिन्होंने 11 से अधिक पुस्तकें भी लिखी थी। यह मंदिर ऐतिहासिक स्मारक के रूप में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण के अधीन है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।